खोल ली है वेबसाइट जो हमने कल बनाई थी अपनी पहली क्लास में। आज हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा CSS लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, CSS लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, रेकमेंडेड है, वो क्या है, style.css के नाम से आप एक फ़ाइल बना लें। अच्छा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन .css होना इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप आके कोई भी अपनी CSS अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, index.html के अंदर आके आपको इसको कनेक्ट करना होगा, सही है जी। लिंक ऐसे आपने किया और .style.css, ठीक है जी। ये आपको बात यहाँ लिखनी होगी, इससे क्या होगा, HTML के जो मेरा HTML की फ़ाइल है उसको पता चल जाएगा कि CSS मेरी कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब ये स्टाइल जो है, इसमें मैं आके क्या कर सकता हूँ, जैसे ये H1 लिखा हुआ है मेरे पास। लिंक एक लिंक होता है, वो एंकर टैग होता है, एंकर टैग होता है। ये एंकर टैग जो होता है वो क्लिकेबल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि गो टू लिंक्डइन, ठीक है। अब ये लिंक्डइन के ऊपर जब मैं इस, ये क्लिकेबल आ जाएगा, http://linkedin.com, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, गो टू लिंक्डइन बना हुआ आ गया। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे लिंक्डइन पे लेके चला जाएगा। और जो मैंने ये वाला लिंक लगाया है, इसका मतलब क्या है, ये एक दो फाइलों को आपस में लिंक करने वाली ये बात है, ठीक है। तो ये style.css लगा दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस H1 का ना कलर चेंज करना है। अगर ये H1 है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं जाऊँगा स्टाइल में, मैं लिखूँगा H1 और इसको आके मैं कह दूँगा जी कलर और ग्रीन, मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। ये कलर्स का ग्रीन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से समझ लो कि क्या होता है। ये वाला जो पार्ट है ना, इतना, इसको कहते हैं हम सेलेक्टर, ठीक है, CSS सेलेक्टर। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं CSS रूल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक अदद लगाते हैं सेलेक्टर, जैसे कि पैराग्राफ, और उसके ऊपर मैं एक या एक से ज़्यादा रूल अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने कहा जी बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। रिफ्रेश करूँगा, देखो पैराग्राफ पे बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको बस गौर से समझ लो, अभी नोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर देखते रहोगे गौर से तो ये आइडिया हो जाएगा। अच्छा, और जैसी ये क्लास ख़त्म होगी तो फिर आपने इसको हाथ से प्रैक्टिस करना है। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा कि जी एक होता है सेलेक्टर और एक होते हैं रूल्स। अच्छा, इस पर मैं एक रूल और लगा देता हूँ। मैंने कहा कि जी बैकग्राउंड कलर जो है ना आपका, वो क्या हो जाए, एक्वा हो जाए, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अच्छा, अब CSS में रह क्या गया, दो चीज़ें मैंने बताया कि CSS में दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसको ना यहाँ से ज़रा कट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा के ना लेके जा रहा हूँ इधर। स्टाइल का टैग लगाया मैंने और उसमें ये मैंने बात सेम लिख दी, ठीक है। अच्छा, ये जो तरीका है ना, इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, सही है। इसके साथ मैं मेंशन भी कर देता हूँ इंटरनल CSS और दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है जी। अब ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है, इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन वो फिलहाल मेरे ख्याल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये कंप्लीट करना है, शॉर्ट टाइम है हमारे पास। तो ये इंटरनल CSS जो है, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनल CSS में इसलिए आ गया हूँ ताकि मैं सेम फाइल पे रहूँ ना, छोटा सा, छोटी सी फाइल है ना, तो मैं सेम फाइल पे रहने के लिए मैं इंटरनल CSS पे मूव कर गया। कॉमेंट्स भी आप कोई शॉर्टकट से करते हैं? अच्छा, कॉमेंट का जो शॉर्टकट है वो कमांड control+\ है ये, ठीक है। HTML का कॉमेंट अलग है, CSS में करूँगा देखो तो अलग आएगा, CSS में अलग है। तो ये शॉर्टकट लेकिन सब में सेम है, JavaScript में भी आप करोगे तो ये शॉर्टकट यही रहेगा, ठीक है। इवन दूसरी लैंग्वेजेस में भी शॉर्टकट यही, C# वगैरह, C++। ये विजुअल का अपना, ये VS Code में ये मुझे फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन VS Code के अलावा भी जितने भी कोडिंग एडिटर है ना, उसमें कमेंट का जो शॉर्टकट है वो सेम है, control+\ ये हर कोड एडिटर में ये सेम होता है। अच्छा, तो ये भाई इंटरनल CSS जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, एक्सटर्नल रिकमेंडेड, लेकिन फ़िलहाल मैंने इंटरनल पे मूव कर गया हूँ ताकि वो सेम पेज पे मैं स्क्रॉल करके ना ये दिखा सकूँ आपको
बेहतर अंदाज में टीचिंग कर सकूँ। अच्छा, तो सी एस एस सेलेक्टर है जी और सी एस एस का रूल है, दो ही चीज़ होती है सी एस एस के अंदर, कोई तीसरी चीज़ नहीं होती इसमें। सर, जी हाँ जी, हाँ जी, सब पे अप्लाई हो जाएगा ये। अभी आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया सेलेक्टर। अच्छा, सेलेक्टर ना पाँच छः तरह के हैं, लेकिन जो अभी हम यहाँ पे ना इस वक्त हम तीन मोस्ट कॉमन सेलेक्टर पढ़ लेते हैं। नंबर एक तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं टाइप सेलेक्टर, कि जी एलिमेंट का नाम लिख देते हो आप, अच्छा कॉमा डाल के मैं दूसरा भी, मैंने कहा एच टू भी लगा दो, एच टू पे भी लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने दो एलिमेंट का नाम लिख दिया। अच्छा, तो एक तो हो गया ये टाइप सेलेक्टर, ये दोनों टाइप सेलेक्टर हैं। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है, जैसे दोस्त ने एक जिक्र किया कि भाई एच वन लिखा है मैंने, तो ये तो सारे एच वन पे लग जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो, क्या मसरूफियात है तुम्हारी, किधर मसरूफ हो, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, इधर मुतवज्जा हो जाओ, ठीक है। ये अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा तुम्हें। कोई सवाल तो नहीं है तुम्हारा? खैर, देखो असल में क्लास के बाद भी ना ये लैब यहाँ पे ही रहेगी, ये लैब कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें क्लास के बाद पीछे वाली सीट्स खाली होती हैं, आप वहाँ पे बैठ के ना जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी काम करना है, आप क्लास के बाद कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के दौरान भी मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, लेकिन वो फिर मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए, ठीक है। अभी मैंने ये कहा है कि इस तरफ मुतवज्जा हो जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बड़ी प्रिसाइजली ये बात मैं करता जा रहा हूँ, काफ़ी सारा डेटा मैं देता जा रहा हूँ आपको। आमतौर पर सी एस एस एक क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, तो इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता, ठीक है। तो ये डेटा आपको ऑब्जर्व आप जब ही कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से मुतवज्जा होंगे यहाँ पे। और ये नोट वोट करना, ये मतलब इसका मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये नोट्स, मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक जो नोट्स लिए उसको मैंने दोबारा खोला ही नहीं है। तो असल तो आपका कॉग्निटिव होता है, वो डेवलप हो गया तो बात ख़त्म, फिर मामला सेट हो जाता है। अच्छा जी, तो एक ये टाइप सेलेक्टर हमने देख लिया, एक हम देख लेते हैं इसमें आईडी सेलेक्टर, एक हम देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर। अच्छा जी, अब HTML के अंदर क्या कर सकते हैं हम, किसी भी पैराग्राफ को ना मैं आईडी दे सकता हूँ। मैंने कहा जी आईडी है ये, पैरा वन इसका नाम रख दिया मैंने, ठीक है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, ये आईडी मैंने पैरा वन अगर किसी एक एलिमेंट को मैंने दे दिया, मैं किसी और एलिमेंट को ये नहीं दे सकता, ये HTML के अंदर इलीगल है। दे सकता हूँ, अब वो बिहेवियर उसका क्या होगा, ये इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल, डिफरेंट ब्राउज़र पर डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, कुछ शायद वो काम ही ना करे, कुछ में शायद वो दोनों पे अप्लाई कर दे, ठीक है। लेकिन HTML में ऐसा बोलते हैं, ये जो रूल है HTML का, HTML 5 का जो स्टैंडर्ड है, कि जी एक आईडी जो है ना पैरा वन, वो आप एक एलिमेंट को देंगे, अगर इस इमेज को देंगे ना आप, तो इसको फिर कोई और आईडी देंगे आप। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे आप पैरा टू दे सकते हैं, ठीक है, या पैरा वन के साथ आप डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, या पैरा सिर्फ पैरा दे दें, वन ना लगाएं, समहाउ उससे डिफरेंट होना चाहिए, या कैपिटल पी से पैरा वन कर दें आप इसको, ठीक है, तो ये डिफरेंट फिर भी हो जाएगा। ये केस सेंसिटिव, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, तो स्मॉल केस और लोअर केस और अपर केस ये दो डिफरेंट होता है, यानी स्मॉल पी से पैरा लिखा हुआ है वो अलग है, कैपिटल पी से पैरा लिखा हुआ है वो अलग है। तो इसको मुझे डिफरेंट आईडी देनी होगी। वेल, मैं इसको IMG दे देता हूँ फिलहाल, IMG 1 मे बी। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, अगर मुझे इस पैरा वन पे या इस इमेज के ऊपर अगर मुझे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, किसके ज़रिए, आईडी सेलेक्टर के ज़रिए, क्योंकि अगर IMG करके करूँगा तो सारी इमेज पे लग जाएगा, मुझे लगाना है सिर्फ एक इमेज पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके स्टाइल में मैंने कहा कि जी हैश IMG 1, ठीक है। हैश का मतलब है कि ये आईडी की बात हो रही है, अगर कुछ नहीं लिखा मैंने हैश वगैरह, तो इसका मतलब है ये टाइप सेलेक्टर है। और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा इसको, कि जी मिसाल के तौर पर मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ इमेज पे, तो मैंने बॉर्डर लिखा कि जी 2 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये मैंने बात लिखी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करूँगा मैं इस पर क्लास, ये अप्लाई हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं, एक चीज़ होती है मेरे पास क्लास। अच्छा, क्लास और आईडी जो है वो देखने में ऑलमोस्ट सेम होती है, फंक्शनैलिटी भी उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लास को आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पर लगा सकते हैं, ठीक है। क्लास आइटम्स, और इसको आपने दे दिया मिसाल के तौर पे क्लास कॉलम, ठीक है। मैंने क्लास कॉलम दिया, अगर मैं कल को दूसरा भी कुछ बनाता हूँ UL, तो उसको भी मैं क्लास कॉलम दे दूँगा, तो उस पर भी यही वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल देखो, मैं आइटम्स करके ना एक स्टाइल अप्लाई करूँगा, वो इन तमाम आइटम्स पे अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, आ जाते हैं जी आइटम्स करके। अच्छा, क्लास सेलेक्टर को लगाने का तरीका क्या है? डॉट आइटम्स, और यहाँ पे आके मैं क्या कहता हूँ कि जी आपका ना बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए मे बी। ठीक है, तो वो देखो सारे आइटम्स पे अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना देता हूँ मैं कि जी डॉट सेलेक्टेड, ठीक है, डॉट सेलेक्टेड एस ई, सेलेक्टेड की स्पेलिंग क्यों गलत बता रहा है ये? अच्छा अच्छा, स्पेलिंग नहीं गलत बता रहा है, सही कहा तुमने। अच्छा, सेलेक्टेड जो है ना, मैंने इसका क्या है, इस पर बॉर्डर बना दो 1 pixel सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने कहा भाई डॉट सेलेक्टेड भी एक क्लास है। अच्छा, क्लास में मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेकंड वाले आइटम पे आया, स्पेस डाल के मैंने सेलेक्टेड भी लिख दिया, तो इस पर देखो दो क्लास अप्लाई हो गई है। अच्छा, आईडी में ये नहीं होता, आईडी एक ही होती है, आईडी दो नहीं हो सकती, ये मैंने दो क्लासेस पे अप्लाई कर दी है। तो क्लास ना सिर्फ मल्टीपल आइटम पे अप्लाई हो जाती है, बल्कि एक आइटम पे भी मल्टीपल क्लास अप्लाई हो जाती है। तो मेनली ना सीएसएस लगाने के लिए क्लास का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आप देखें सेकंड आइटम पे ये बॉर्डर बना हुआ है, बाकियों पे नहीं आया, ये स्पेस सेपरेटेड है, ये अगर दो क्लास देंगे तो स्पेस सेपरेटेड है ये। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें आप सही, हाँ ये हो गया। अच्छा, ये अब देखो हमने ना तीन मोस्ट कॉमन सेलेक्टर पढ़ लिए हैं, अभी मज़ीद सीएसएस सेलेक्टर्स कौन से होते हैं वो आप अगर ख़ुद से गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गई सीएसएस के रूल्स की बात। अब सेलेक्टर समझ में आ गया आपको, सीएसएस को अप्लाई कैसे करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस वो समझ आ गया। अब जितने भी रूल्स हैं ना सीएसएस के अवेलेबल, उसकी एक लिस्ट आपको इंटरनेट पर कहीं ना कहीं अभी हम देखते हैं, निकालते हैं, तलाश करते हैं। जैसे एचटीएमएल में हमने क्या सीखा, एचटीएमएल का हेलो वर्ल्ड बनाया, फिर हमने देखा अच्छा जी मार्कअप होता है, मार्कअप से बनता है, बाकी का क्या बचा कि जी अच्छा जी मार्कअप की एक लिस्ट आ गई, कौन सा मार्कअप कैसे लगता है वो ख़त्म हो गई एचटीएमएल। इसी तरह सीएसएस में क्या हमने देखा कि सीएसएस की फाइल बनती कैसे है, सीएसएस में एक चीज़ होती है सेलेक्टर, तीन सेलेक्टर हमने पढ़ लिए, 6-7 हम होते हैं टोटल, तीन हमने पढ़ लिए मोस्ट कॉमन। अब आखिरी जो चीज़ बची है ना सीएसएस में कि जी कौन कौन से रूल अवेलेबल हैं और उनको लगाते कैसे। जैसे मैंने आपको दो तीन रूल तो पढ़ा दिए यहाँ पे, जैसे मैंने कलर पढ़ा दिया, बॉर्डर देखें, बॉर्डर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लग रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अच्छा, कलर में ना नेम भी लिख सकते हैं, कलर कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब रूल कौन कौन से हैं और वो कैसे लगते हैं ना, अब ये इसकी हमें एक लिस्ट चाहिए इंटरनेट से, तो ये सीएसएस आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं जी, ढूंढ लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल सीएसएस प्रॉपर्टीज, हाँ ये आ गया ना सीएसएस का रेफरेंस, ये आ गया सीएसएस का रेफरेंस। अब इसमें जितने भी सीएसएस के जो है ना रूल्स हैं, जितनी भी ये उसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, वो सब है इसमें। अच्छा, मैंने जो अभी लगाया है वो ज़रा देख लेते हैं, मैंने कौन सा लगाया, बॉर्डर, तो मैंने ये कंट्रोल एफ करके ना ये बॉर्डर लिखा, तो ये बॉर्डर के ना सारे आ गए, ये देख रहे हैं आप, ये वाला मैंने अप्लाई किया था बॉर्डर वाला। अब आप देखें ये इसने बता दिया कि ये कैसे होता है, ठीक है। नीचे इसने ये भी बता दिया कि तीन चीज़ें क्या हैं, तीन चीज़ों में पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, वो सब इसने बता दिया। अच्छा, ये असल में शॉर्ट हैंड है, जो बॉर्डर करके मैंने जो लगाया ना वो शॉर्ट हैंड है। अच्छा, वैसे ये अलग अलग तीन प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर स्टाइल है और बॉर्डर विड्थ है, ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे मिल के वो, सॉरी शॉर्ट हैंड मतलब ये होता है, वो सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका शॉर्ट हैंड बना हुआ होता है। अच्छा, बॉर्डर जब भी लगाऊंगा तो ये तीन चीज़ दूंगा जब भी बनेगा बॉर्डर, कोई एक चीज़ भी मिस होगी तो बॉर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे ना अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करूँगा ना, बॉर्डर लिखूँगा मैं, जब ये देखें ये आ गया, इसके आगे लिखा है इन्होंने कि भाई अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। अच्छा, तो बॉर्डर का जो कलर है ना वो आप अलग से देख लें, बॉर्डर कलर अभी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर के अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी ये कोडिंग बता देगा कि जी अच्छा इस तरह लिखा जाता है ये, ट्राई इट योरसेल्फ करके आप इसको चला के भी देख सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर कलर में क्या क्या वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो भी इसने बता दिया, वो कहाँ बताया इसने, ठीक है, कह रहा है इफ़ बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी हैज़ 4 values, ठीक है। तो पहला वाला मिसाल के तौर पर रेड, ग्रीन, ब्लू और पिंक,
है ना, बॉर्डर कलर को देखो इस तरह भी लगा सकते हैं चार वैल्यूज के साथ। तो जो पहला वाला होगा वो टॉप होगा, सेकंड वाला होगा वो राइट होगा, फिर बॉटम होगा और फिर लेफ्ट होगा, यानी क्लॉकवाइज वो टॉप से शुरू होगी, यूँ चलेगा, चार बॉर्डर हैं, चार अलग कलर हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं कि अगर भाई थ्री होंगे तो क्या होगा, हमने मिसाल के तौर पर एक लिखा तो क्या होगा, ऑल फोर बॉर्डर आर रेड, अगर सिर्फ एक कलर लिखा तो चारों साइड को एक ही, तो मैंने एक लिखा था चारों साइड को एक दे दिया उसने, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जितने भी अवेलेबल है ना CSS की प्रॉपर्टीज़ वो सारी इधर लिस्ट बनी हुई है। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी है ये, ठीक है। एक चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस से क्या होता है जी, कोने ना चकोर चकोर जो होते हैं उसको गोल कर देता है। जैसे हमारे पास अगर हम आके देखें कि जी ये जो इमेज है ना साइडों से ये चकोर चकोर है, तो मैं क्या करूँगा, ये IMG पे आके मैं लिखूँगा बॉर्डर रेडियस और मैं इसमें एक साइज़ दे दूँगा जी 15 पिक्सल, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देगा, 15 पिक्सल जो लास्ट का है ना उसको घुमा देगा, ये घुमा के गोल कर दिया। अच्छा यहाँ पे आके देखते हैं अब, कंट्रोल F बॉर्डर रेडियस ये आ गया, ठीक है। अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर क्या आ गया ना, लेफ्ट रेडियस बॉर्डर राइट रेडियस, वो चार अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आप चारों को अलग अलग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में गया मैं, यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि जी आप बॉर्डर लगाओगे पहले, क्योंकि जब तक बॉर्डर नहीं होगा रेडियस नज़र नहीं आएगा, और फिर बॉर्डर रेडियस लगाओगे आप, ठीक है। कह रहे भाई इस तरह भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अब चार वैल्यू होंगी तो क्या होगा, तीन वैल्यू होगी तो क्या होगा, ठीक है। हमने एक वैल्यू दिया तो मतलब चारों कोने का मैं एक जैसा बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ, इसमें आप देखें दो अलग है दो अलग है, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो अब ये CSS की जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ है ना सारी, वो यहाँ से आप देखते जाएंगे और आप लगाते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे CSS में आपको कोई भी काम करना है, अच्छा मिसाल के तौर पे और इस CV में आ जाते हैं हम, अब इस CV में आपको और कौन सा काम करना पड़ सकता है, मिसाल के तौर पे आपको एक आपने टेबल बनाई है, आप चाहते हैं इसके जो सेल हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाएं, तो इसके लिए वो आप देख लेंगे जी अलग से गूगल करके कि टेबल पे कौन कौन सी CSS लगती है, वो बता देंगे लोग कि अच्छा ये 6 CSS में टेबल पे लग जाती है, उसमें से कोई एक आपको मिल जाएगी कि जी ये सेल सेल स्पेसिंग के नाम से, वैसे भी मैं सेल लिखूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा। ठीक है टेबल लेआउट करके यहाँ पे एक चीज़ मौजूद है, ये मैंने यूज़ नहीं किया, वेल सेल स्पेसिंग करके एक चीज़ होती है वो यूज़ किया है मैंने। अच्छा वो एट्रीब्यूट होता है सेल, ये CSS में क्या प्रॉपर्टी सेल स्पेसिंग के लिए, नहीं वो तो वो फ्लैक्स बॉक्स की है। अच्छा नहीं सेल करके तो उसमें आ ही नहीं रहा कुछ, नहीं वो भी तो एट्रीब्यूट है ना, वो भी एट्रीब्यूट। वेल तो पॉइंट ये है कि भाई जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है ना सारी वो इधर सब मौजूद है। अच्छा मिसाल के तौर पर हम रैंडमली को इसमें से हम ओपन करते हैं, जैसे मैक्स विर्थ करके हमने एक चीज़ है उसको ओपन किया। अब देखो मैक्स विर्थ के बारे में ना यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, सेट द मैक्सिमम विर्थ ऑफ अ पैराग्राफ एलिमेंट टू 150 पिक्सल, कि किसी भी ये देखो ये सेलेक्टर लगा हुआ है। अब देख ये थोड़ा ना ऐसा सेलेक्टर है जो हमने नहीं देखा, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं, आप इस पर क्लास वाला सेलेक्टर लगाओ आप सीधा सीधा, ठीक है। तो इस पर मैक्सिमम विर्थ 150 कर दी, तो इसने बोला कि भाई मैक्सिमम विर्थ 150 हो जाएगी, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर एक चीज़ है मिनिमम विर्थ जो इसी के साथ ही ऊपर आ रही है, मिनिमम विर्थ, ठीक है मिनिमम विर्थ, मिनिमम विर्थ 500 कर दिया इसने। तो अब चक्कर क्या है, ये मिनिमम मैक्सिमम विर्थ जब आप सेट कर देते हैं तो जब स्क्रीन का साइज़ चेंज होता है तो एलिमेंट साथ साथ ज़ाहिर है छोटा होता है साथ साथ बड़ा होता है, लेकिन वो एक सर्टेन साइज़ तक वो छोटा होगा, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। वो 150 अगर आपने बोला भाई मिनिमम है तो उधर आके वो रुक जाएगा, उसके बाद वो पूरा पेज स्क्रॉल हो जाएगा, और अगर जब बड़ा होगा स्क्रीन तो आपका तो वो क्या होगा, वो 500 पे अगर आपने बोला ना मैक्सिमम तो वो 500 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो 500 पे रुक जाएगा, फिर वो दोनों साइडों पे स्पेस आना शुरू हो जाएगी। नहीं वो तो असल में एग्जांपल अलग अलग लोगों ने लिखी होगी ना, तो इसलिए वो अलग अलग है, वो असल में दो अलग अलग हैं वो एग्जांपल, उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा तो ये सब लोगों को समझ आ गया। अच्छा अब आपने क्या करना है,
कि जी वो तो सारा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि जी गिटहब में पुश करना है, होस्टिंग करनी है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है और सबमिशन जब होगी असाइनमेंट. अब आप मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट क्या है जो आपने नेक्स्ट क्लास में जो जमा कराना है. जो भी आप लोगों ने सीवी बनाई है, जिन लोगों ने, आपने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है. ठीक है, इसमें से देख के आपने सीवी में जो जो स्टाइलिंग आपको चाहिए होती है, जैसे इमेज है उसको आपने सर्कल करना है तो बॉर्डर रेडियस से होगा वो, तो वो आपने ना 4-5 प्रॉपर्टीज़ आपने अगर लगा लेनी है तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी. ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में. किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी हाँ. नहीं, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और ये शॉर्टकट दबा दूँगा कमेंट का, बस हो गया. जी नहीं, तो ये कमेंट अप्लाई करने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, अप्लाई क्या करना है उसका नाम बताओ ना, जब मैं बता पाऊंगा ना तुम्हें. अप्लाई क्या करना है, कोई सीएसएस अप्लाई करनी है? नहीं, अच्छा, तो ये पूछ रहे हो कि ये जो मैंने ये 4 लाइनों में एक साथ ये लिख रहा हूँ, ये कैसे लिख रहा हूँ? ये ना देखो, इसकी शॉर्टकट की समझ लो क्या है. मेरे कंप्यूटर में इसकी शॉर्टकट की है ऑप्शन प्लस कमांड और ये एरो डाउन. सही है, ऑप्शन और कमांड मैं एक साथ दबा रहा हूँ और एरो डाउन. विंडो में जो है वो अल्टर और विंडो होगी शायद, ये अल्टर और कमांड होगा. ठीक है, सिलेक्ट करूंगा हैश लूंगा तो समझ. अच्छा सुन लो पूरा सुन लो. देखो अब इसको माउस से भी कर सकते हैं. मैं कंट्रोल ये सॉरी ऑप्शन पकड़ के, यानी अल्टर का बटन पकड़ के, मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ना वहाँ वहाँ ये कर्सर आ जाएगा. देख रहे हो, मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ ये कर्सर आ जाएगा जी. और जब मैं लिखूँगा सब जगह एक साथ लिखाएगा. तो इसको माउस से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की ज़रूरी नहीं है शॉर्टकट की से करूँगा. ठीक है, दोनों ऑप्शन मौजूद है. ठीक है, शॉर्टकट की मोस्ट प्रॉब्ली विंडोज़ में होगी, कंट्रोल और अल्टर और एरो डाउन साथ में. और एरो की जगह माउस भी यूज़ कर सकते हैं? एरो की जगह माउस नहीं यूज़ कर सकते, जब शॉर्टकट की पकड़ोगे तो एरो ही दबाना पड़ेगा. ठीक है चलो, और कोई सवाल? अलग अलग जगह करनी है तो उसके लिए अलग अलग जगह करनी है तो माउस के लिए. Later, I'm going to